नमस्कार, धर्म टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्णवेध संस्कार की। दरअसल हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से एक कर्णवेध संस्कार का उल्लेख मिलता है। इसे उपनयन संस्कार से पहले किया जाता है। आइए जानते हैं कर्णवेध संस्कार के बारे में। क्यों करते हैं कर्णवेध संस्कार? कान छिदवाने के कई बड़े कारण होते हैं। इस संस्कार के अनुसार दो लाभ होते हैं। पहले यह है कि राहु और केतु के संबंधी प्रभाव समाप्त होता है और दूसरा यह है कि संतान स्वस्थ रहे, उन्हें रोग और व्याधि परेशान न करें। सावधानी, ध्यान रहे कि कान विधि पूर्वक ही छिदवाएं, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आजकल लोग एक ही कान में चार चार छेद करवाने लगे हैं, जो कि अनुचित है। कुछ लोग एक ही कान छिदवाते हैं और कुछ लोग दोनों कान छिदवाते हैं। हालांकि नियम दोनों ही कान छिदवाने का है। आइए कब जानते हैं कब करना चाहिए यह संस्कार। इस संस्कार के बारे में कहा जाता है कि यह बालक के जन्म से 10वें, 12वें, 16वें दिन या 6ठे, 7वें, 8वें महीने में किया जा सकता है। बालक शिशु का पहले दाहिना कान, फिर बायां कान और कन्या का पहले बायां कान, फिर दायां कान छेदना चाहिए। आइए जानते हैं किस मुहूर्त में करना चाहिए यह संस्कार। नक्षत्र, इस संस्कार के लिए मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, अश्वनी, पुष्य, अभिजीत, श्रवण, घनिष्ठा और पुनवर्सु अति शुभ माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में आप यह संस्कार कर सकते हैं। कर्णवेधन संस्कार क्षय तिथि, हरिशन, खरमास आदि में नहीं करवाना चाहिए। अमावस्या के दिन भी कर्णवेधन संस्कार ना करवाएं। कर्णवेधन के दिन सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार में से कोई वार होना चाहिए। तिथि, कर्णवेध संस्कार के लिए चतुर्थ, नवम एवं चतुर्दशी तिथियों एवं अमावस्या तिथि को छोड़कर सभी तिथि शुभ मानी गई है। लग्न, वैसे तो सभी लग्न जैसे केंद्र, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम एवं त्रिकोण, पंचम, नवम भाव में शुभ ग्रह हो तथा तृतीय, षष्ठम, एकादश भाव में पापी ग्रह हो तो वह लग्न उत्तम कहा जाता है। यहाँ वृक्ष, तुला, धनु व मीन को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यदि बृहस्पति लग्न में हो तो यह सर्वोत्तम स्थिति कही गई है। निषेध, खरमास, क्षय तिथि, हरिशन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, जन्ममास, चंद्रमास, समवर्ष, द्वितीय, चतुर्थ इत्यादि को कर्णवेध संस्कार में त्याज्य किया जाना चाहिए। चंद्र शुद्धि एवं तारा शुद्धि अवश्य ही की जानी चाहिए। आइए जानते हैं कान छिदवाने के बाद क्या करें। कान छिदवाने के बाद उसमें चांदी या सोने की तार पहने। कान पके ना, इसके लिए हल्दी को नारियल के तेल में मिलाकर तब तक लगाएं जब तक छेद अच्छे से फ्री ना हो जाए। आइए जानते हैं कान छिदवाने के फायदे। कहते हैं कि कान छिदवाने से सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। कान छिदवाने से आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। कान छिदवाने से तनाव भी कम होता है। कान छिदवाने से लकवा जैसी गंभीर बीमारी का होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इससे बुरी शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और व्यक्ति दीर्घायु होता है। इससे मस्तिष्क में रक्त का संचार समुचित प्रकार से होता है। इससे दिमाग तेज चलता है। यह भी कहा जाता है कि पुरुष के अंडकोश और वीर्य के संरक्षण में भी कर्णवेध का लाभ मिलता है। मान्यता अनुसार कान छिदवाने से व्यक्ति के रूप में निखार आता है। कान छिदवाने से मेधा शक्ति बेहतर होती है। तभी तो पुराने समय में गुरुकुल जाने से पहले कान छिदवाने की परंपरा थी। लाल किताब के अनुसार कान छिदवाने से राहु और केतु के बुरे प्रभाव का असर खत्म हो जाता है। जीवन में आने वाले आकस्मिक संकटों का कारण राहु और केतु ही होते हैं, अतः कान छिदवाना जरूरी है। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।